में भारत अब आज़ाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हम ब्रिटिश, कभी मुगल, कभी इटालियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे। तो प्लीज़ अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाइए और यहाँ पे ज़रूर आज उसका उपयोग कीजिए। पर लाइक आई सेड, इससे पहले तो हमारा देश गुलामी था, जहाँ पे ये सब जितने भी हमारे पॉलिटिशियन लंदन में चिल करते रहते थे और देश की जितनी दुर्दशा है, जितनी गरीबी को लेके, पोल्यूशन को लेके, इकोलॉजी को लेकर, रेप को लेकर, जिस तरह से दुर्दशा है, हमारा देश जिस स्थिति पे था जब तक कांग्रेस थी, उससे बुरी स्थिति हो नहीं सकती थी। सो जैसे मैंने कहा, अब हमारा स्वराज और स्वधर्म का टाइम आया है। सो वी शुड बी कम्प्लीटली गोइंग इन लार्ज नंबर्स एंड वोटिंग फॉर इंडिया। आंतरिक सुरक्षा के लिए, वैश्विक वैभव के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए आप अपना वोट दें। आज मैं यहाँ आई हूँ, राष्ट्रभर में लोग जहाँ जहाँ आज पोलिंग का दिन है वहाँ पर पोलिंग बूथ पर पधार रहे हैं। मेरा विशेष आभार है उन नागरिकों को जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में अपना वोट देते हैं। वाकई में उनकी वजह से लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र की गरिमा बढ़ी है। हमारा फ़र्ज़ है एज ए सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेसी कि हम अपना वोट दें। हमारा फंडामेंटल राइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उम्मीद यही है कि बहुत सारे लोग, आज हर नागरिक जो मतदान देने का हकदार है, वो जाए और मतदान दे। I just want every citizen to vote.